अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये सीलिंग फ़ैन की अनबॉक्सिंग और वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको सीलिंग फ़ैन लगाने का तरीकाकार बताऊंगा कि क्या क्या इसके प्रोसेस हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये सुपर एशिया का एक मॉडल है, 56 इंचेस का। ये मैं बॉक्स जल्दी से आपको दिखा दूँ। ये इसमें उर्दू और अरबिक और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मेड इन पाकिस्तान है। इसके दो मॉडल आते हैं, एक 48 इंच ये और 56 इंच। ये मॉडल जो है 56 इंच वाला है। इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका कहना है कि 99.9% इन्होंने प्योर कॉपर इस्तेमाल किया है। ये 56 इंच का जो है ये वोल्टेज इसमें लिखा हुआ है कि 80 to 96 वॉट है, और ये इसकी अपना RPM लिखा हुआ है 325 to 390, और हर्ट्स भी दिए हुए 250 by 275। एनर्जी सेवर टेक्नोलॉजी है, और ये सब इसका इसमें दिया हुआ है। ये कंपनी का एड्रेस भी दिया हुआ है। बॉक्स के सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दूसरे भी मॉडल हैं वो सब। ये चाहे अब ये एक तस्वीर भी दी गई ऊपर की, क्या क्या इसमें किस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाहर टाइम जाए कि पहले मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। इसमें ये कैप हमें मिलता है, इसमें सुपर एशिया की ब्रांडिंग हुई हुई है। ये हमारी फैन की रॉड है, इसको भी खोल के देखिए। ये हमारी फैन की रॉड हो गई। ये हमारा फैन हो गया। सामने से मैं आपको दिखा, ये फैन हो गया हमारा। और बॉक्स में जो है ये आपको लटकाने के लिए रबड़ और इसको हुक मिलता है। एक अदर इसमें नट दिया गया है, और इसकी एक मुझे ये स्प्लिट पिन हो गई। थोड़ा सा मुझे इसके जो पर हैं मैं उसको भी आपको एक नज़र दिखा दूं कि इसके जो पर हैं वो किस शक्ल के हैं। तीन इसके ब्लेड हैं और ये है इसका, ठीक है। अब इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले जो सबसे पहला प्रोसेस है, ये डब्बे में एक फोम का आपको ये एक मिला है। आप जो है ना, सबसे पहले आप जो है ये जो पंखा है, ताकि नीचे से आपका ख़राब ना हो, तो जो भी आप काम करें हम इस पर वायर कनेक्ट करेंगे, और ये सब इसके फ़ैन की रॉड कनेक्ट करेंगे, तो यानी क्या है कि नीचे से स्क्रैचेस ना आए। सीलिंग फ़ैन की इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको तकरीबन इतना बड़ा तार चाहिए होगा। ये मैंने 3 का मेरे पास तार पड़ा हुआ था। आप इसमें हल्की क्वालिटी का भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि तो मैंने 3 का ये काट के रख लिया। इतना बड़ा होगा, मुझे इतना बड़ा ही चाहिए, ये रॉड के अंदर होगा, तो मैंने उससे ज़्यादा ही रखा है। सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। मैंने इसकी कैप, ये इसका कैपेसिटर है, स्प्लिट पिन एक ये भी दी हुई है, स्क्रू भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे जो है दो तार आके कनेक्ट होंगे। दोस्तों इंस्टॉलेशन में जो फैन की रॉड है, आप इससे अगर आपकी छत ज़्यादा हाइट पे, तो आप इससे बड़ी भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 फुट या 10 इंच की ये रॉड होगी। सबसे पहला प्रोसेस है, आपको इसको जो है ये जो चूड़ियाँ सी बनी हुई हैं, आपको ये नीचे जाएगा, ये ऊपर। तो मैं तार पहले इसमें डाल दूँ रॉड में, और ये रॉड के अंदर तार आ गया।
अब मैंने इसके अंदर से तार यूँ निकाल दिए, अभी मैं तार फिक्स नहीं कर रहा हूँ खाली मैं इसमें, अब मैं इसको रॉड पर टाइट कर रहा हूँ। ये तार आप देख सकते हैं इतना एक्सेस में, और ये जो आपको ये होल नज़र आ रहा होगा और ये नीचे वाला हो, ये दोनों होल जो जब ये टाइट करते करते मैं इसमें नीचे लाऊंगा, अभी इसमें पानी से भी टाइट करूंगा, फिर ये स्प्लिट पिन इसके अंदर यूँ करके जाएगी। पानी जो है मैंने इसकी इस पर और इस पर इस वजह से लगाए ताकि स्क्रैचेज और इस पर आए, तो ये हिस्सा भी छुपा रहेगा और ये हिस्सा भी छुपा रहेगा, जो रॉड पे स्क्रैचेज नहीं आने चाहिए। तो हमारी ये फैन की रॉड फिक्स हो चुकी है, ये देखिए मैं शुरू में आपसे कह रहा था ना, तो मैंने जो पाना पकड़ा उसमें फ्रिक्शन थोड़ी सी आती है, तो यहाँ से थोड़ा सा पेंट रिमूव हो गया और ये ऊपर से, लेकिन ये दोनों चीज़ें ये इन दोनों कैप में आ जाएंगी, तो आप ये देखिए ज़रा सा कोई भी इसमें नज़र नहीं। आखिर में मैं जो ये सेफ्टी का इसमें है, यहाँ से मैं इसको जितना टाइट कर दें टाइट मैंने ये कर दिया, और अब ये जो है मैं इसमें स्प्लिट पिन डालूँगा, ये नीचे वाले इसमें तीन नज़र आ रहे हैं, ये तो खैर कैप की है, तो मैं यहाँ से स्प्लिट पिन मैंने डाली बीच में तार के हमारे जा रहा है, ये स्प्लिट पिन हो गई। इनको आप अच्छी तरह तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारी स्प्लिट पिन भी लग चुकी है, और मैं फाइनली जो है मैं इनको वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। वायर कनेक्ट करने का इसमें सिंपल है, आप ये देख सकते हैं, और डब्बे में भी इसमें डायग्राम में मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि ये दो यहाँ पे कनेक्ट होंगे दोनों का। वायर कनेक्ट हो चुके हैं, थोड़ा समय से और वायर को खींच लेता हूँ बस। अब हमारे जो इसकी नीचे वाली कैप है ये यूं जाएगी, तो मैं इसको पहले ये इसका नट था, ये हमारा नेट टाइट हो गया। अब हम ये इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये इसमें बाजों में रॉड ऐसी बनी हुई होती है, इसमें ये कि दोनों अलग है सेपरेट हैं, तो पहले मैं इसकी ये पिन निकाल लेता हूँ, इसमें भी एक छोटी सी स्प्लिट पिन दी हुई है। स्प्लिट पिन ये उससे ये होता है कि कभी भी वाइब्रेशन से हिलने जुलने से अगर कभी स्क्रू ढीला भी हो जाए तो आपका जो है स्प्लिट पिन जो है उसको रोक लेगी। स्प्लिट पिन सेफ्टी का अच्छा है, जितनी स्प्लिट पिन
इसमें टोटल 4 स्प्लिट मैंने दी हुई हैं। और ये वाला जो फ्रंट वाला जो ये नट है, ये इसमें एंड पे भी इसमें जो मुश्किल से खुलता है क्या कहते हैं दोस्तों, मैं ये लगाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं इसकी कैप डाल दूँ इसके अंदर। अब हमारी कैप अंदर जा चुकी है, तो अब मैं जो हूँ ये इसका ये दोनों ये याद रहे कि आपको जो है पैरेलल दोनों लगाने, एक नट आप इसमें डाल दें ताकि ऐसे कोई मसला ना होगा ना। अब मैं इसमें स्प्लिट पिन डाल दूंगा। दोस्तों हमारा ये पंखा जो है आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ये रेडी हो चुका है, सिर्फ इसमें फ़ैन लगाने रह गए, यानी कि इसके जो पर होते हैं इसके। तो ये जो है इसके जो विंग्स अभी लगा रहा हूँ, आप इसमें देखेंगे कि ये इसमें स्प्रिंग भी कहते हैं, मतलब स्प्रिंग वॉशर भी होता है इसमें, कि ये कट होता है, आप ये देख सकते हैं ये इसमें कट है। कट से ये होता है जब ये नट जो है टाइट होगा तो फिर ये खुलेगा नहीं। ठीक है, ये मैं अभी खोल लेता हूँ। वो जो है आखिर में आप टाइट करें, पहले आप दोनों लगा लें, इसका जो पर है वो अच्छी तरह कोशिश करें लंबे हैंडल के स्क्रू ड्राइवर से करें, तो उसकी स्क्रू ज़्यादा अच्छी होगी, अच्छी तरह टाइट करें उसे। अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे ये जो सुपर एशिया का सीलिंग फैन है, ये इसके मैंने बिल्कुल वायरिंग भी कंप्लीट कर दी और इसके ये विंग्स भी लगा दिए। अब इसके फाइनली अब मैं इसको छत पे लगाने जा रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये मैंने सीलिंग फैन अभी लगा दिया, ये मैंने इसको वायर कनेक्ट नहीं किया और ये इसके पॉइंट है। अब मैं इसमें नट लगाऊंगा। दोस्तों अब मैं इस फैन को ऑन करने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये फुल रेगुलेटर जो होता है, फुल यानी कि स्पीड है उस पर ये चल रहा है। अभी अपनी पूरी स्पीड में आ चुका है, आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। अब मैं इसको ज़रा मीडियम स्पीड पे लेके आता हूँ। ये इसकी मीडियम स्पीड हो गई और अब मैं जो हूँ सबसे स्लो स्पीड पे लेके आया हूँ, तो ये है इसकी सबसे स्लो स्पीड। ठीक है, अब मैंने इसकी दोबारा फुल कर दी स्पीड। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई कमेंट्स में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछें, और दोस्तों होम सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।